हेलो दोस्तों, मैं हूं संदीप और आप देख रहे हो मेरे यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज मैं आप सबको दिखाने जा रहा हूं बजाज पल्सर 125 BS6। जी हां दोस्तों, तो ये है वो बाइक जैसा कि देख रहे हो मेरे पास में है। तो अभी इस बाइक का मैं रिव्यू करने जा रहा हूं, तो चलिए देख लेते हैं इस बाइक के अंदर क्या क्या देखने को मिलता है। हेलो दोस्तों, आप देख रहे हो पल्सर 125 BS6 नियॉन। जैसे कि देख रहे हो आपके सामने है ये बाइक। तो इस बाइक के अंदर क्या क्या है सब कुछ आप सबको मैं दिखाने जा रहा हूँ। दोस्तों मेरे वीडियो को प्लीज़ पूरा देखना, ठीक है। दोस्तों जैसे कि देख रहे हो आपके सामने है ये बाइक। हेडलाइट देख रहे हो, इसका हैलोजन हेडलाइट है। हेडलाइट का जो डिज़ाइन है उसमें कोई चेंजेस नहीं आया है, पुराना मॉडल का पल्सर का ही डिज़ाइन का हेडलाइट है। यह सामने का हाइड्रोलिक टेलीस्कोपिक हाइड्रोलिक है, आप देख रहे हो। दोस्तों बहुत सारे आप में से हो जिनको पल्सर बहुत पसंद है। दोस्तों यह सामने का ब्रेक, जैसे कि देख रहे हो 240 mm का डिस्क ब्रेक है, डिस्क ब्रेक है ये, आप देख रहे हो 240 mm का डिस्क ब्रेक। और ये सामने का टायर का जो साइज है वो 80-170 साइज है सामने का जो टायर है। हाँ दोस्तों, ये फ्यूल ऑन ऑफ करने की जगह है, आप देख रहे हो। इसकी जो इंजन है वो 4-stroke 2-valve ट्विन स्पार्क BS6 DTSI इंजन है। 124.4 cc का इंजन है। मैक्स पावर 12 PS 8500 RPM, मैक्स टॉर्क 11 Nm 6500 RPM। जी हाँ दोस्तों, अगर ये बाइक खरीदना चाहते हो तो बिल्कुल खरीद सकते हो आप। ये है गियर, 5 गियर देखने को मिलेगा आपको इस बाइक के अंदर। पंद्रह लीटर की कैपेसिटी देखने को मिलेगा आपको इस फ्यूल टैंक के अंदर। यह है फ्यूल टैंक, आप देख रहे हो। तो चाबी मैं ऑन करने जा रहा हूँ, चाबी ऑन करते ही डिजिटल मीटर पे कुछ ऐसा ही देखने को मिलेगा आपको। स्पीड मीटर जो है वो डिजिटल, टेकोमीटर एनालॉग, ऑडोमीटर डिजिटल, ट्रिप मीटर डिजिटल, ठीक है। यहाँ पे सेल्फ का बटन आपको देखने को मिलेगा जैसे कि देख रहे हो, और यहाँ पे हॉर्न इंडिकेटर एंड पास का बटन मिल जाएगा आपको, जैसा कि बाकी सब बाइक में भी देखने को मिलता है। दोस्तों इस बाइक की कार्बोरेट जो है वो 140 kg का है, और जो पीछे बैठा है उसकी पैर रखने की जगह है ये। यह साइड स्टैंड आप देख रहे हो आपके सामने है। यह पीछे का सस्पेंशन, ट्विन गैस शॉक सस्पेंशन है ये, जैसे कि देख रहे हो पीछे का सस्पेंशन है ये। और यह पीछे का टायर, पीछे का टायर का जो साइज है वो ट्यूबलेस टायर है, साइज जो है वो 190/17 का साइज है। और यह पीछे का ब्रेक, ड्रम ब्रेक है ये, 130 mm का ड्रम ब्रेक है ये, जैसे कि देख रहे हो ये ड्रम ब्रेक है। और यह है बैकलाइट, LED बैकलाइट है। डिज़ाइन जो देख रहे हो वो पुराने मॉडल के पल्सर के जैसा ही है, चेंजेस कोई नहीं आया है डिज़ाइन में बैकलाइट का। 125 का लोगो आप देख रहे हो आपके सामने है। और यह साइलेंसर, पुराने मॉडल का पल्सर का जो साइलेंसर है ऐसा ही देखने को मिलेगा आपको इस साइलेंसर में, डिज़ाइन में कोई चेंजेस नहीं आया है। और दोस्तों यह है किक पे भी आप इस बाइक को स्टार्ट कर सकते हो, यानी कि किक एंड सेल्फ दोनों ही अवेलेबल है इस बाइक पे।
दोस्तों इस बाइक की जो डिज़ाइन है वो 150 पल्सर की तरह ही है, एकदम 150 पल्सर की तरह ही डिज़ाइन है इसका। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो जरूर लाइक एंड शेयर करना मेरे वीडियो को, और हाँ दोस्तों मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।